अभी हम लोग गए थे भीलवाड़ा, दो लोग आए बोले महाराज सामने श्रीनाथ जी रहते हैं, सांवरिया सेठ रहते हैं, दर्शन कराइए। हमने कहा भैया हम अकेले नहीं जाते हैं, वो घर में हमारी बहू जी रहती हैं, तब हम श्रीनाथ जी, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी जाते हैं, नहीं तो अकेले नहीं है। अकेले है ये नहीं तो अकेले जाएंगे क्यों? जो अकेले है वो अकेला करे। देखो जुगल हो तो जुगल दर्शन करो। पुरुष अहंकार की प्रतिमूर्ति है। पुरुष क्या है बोलो? अरे बोलो क्यों डरते हो? न बोली हो? हम बोलते हैं फिर दोहराओ। पुरुष अहम की प्रतिमूर्ति है। पुरुष अपने मन से चाहे जो करना चाहता है, और यदि वही कार्य माताएं करने लगती हैं तो 12:30 बजे का मुंह बनाता है। भजन माताएं करती हैं, पूजन माताएं करती हैं, व्रत माताएं करती हैं। एक एक बहन ने प्रश्न किया है मेरे से, कोई पंजाब की बहू है, कि महाराज जी आप लोग कथा करते हो, स्त्री के लिए सारे नियम व्रत बताते हो, पुरुष के लिए कोई व्रत नहीं है क्या? हमने कहा है। कौन सा? हमने कहा तीजा व्रत है। क्या? तो तीजा व्रत तो माताएं करती हैं हरितालिका का, पुरुष भी करते हैं। कौन करते हैं? हमने, हमारी टीम में 3-4 लोग करते हैं। बोले वो, लेकिन आप कथा में बोलिए कि सब लोग करें। हमने कहा अभी आफत में न डालो हमको। देखिए जो धर्म और व्रत स्त्रियों के लिए, माताओं के लिए है, वो सारे व्रत पुरुषों के लिए भी पालन करना है। अलग से कोई व्रत नहीं है। माताएं पति के प्रति निष्ठावान है तो पुरुष भी अर्धांगिनी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। इससे उसके जीवन में, घर में, परिवार में धर्म की अभिवृद्धि होती है। अरे तुम क्या है? तुम गुरु धेनु विप्र सुर से, संत सुर से भी तस पुनीत कौशल्या देवी। यह गुरुदेव भगवान कहते हैं राजन जैसे आप हैं वैसे आपकी देवियां हैं। इसी का परिणाम रहा कि आपके जीवन में ब्रह्म पुत्र बन के आ गया, सपरिकर आ गया। हम धर्म में जीवन जिएंगे, परिणाम जीवन में अवश्य आएगा, अवश्य आएगा, अवश्य आएगा, और इसको निष्ठापूर्वक जीना चाहिए। कलुषित होके नहीं जीना चाहिए, इधर उधर मस्तिष्क नहीं लगाना चाहिए। धर्म का पालन सबके लिए सम है, साफ, किसी के लिए इधर उधर नहीं है। तो केवट कितने दिव्य हैं? प्रभु रूख पाई के बुलाई बालक घरनी, बंद के चरण चहु दिसी बैठे, छोटो सो कठौता भरिया निपानी गंगा जू को, दो पाए पियत पुनीत वारी फेर। देवता प्रशंसा करते हैं, बरस सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाहि। अब कितने पुण्यशाली हैं? वह आप कहेंगे पुण्य कैसे बढ़ता है? तुलसी जी के दर्शन से, भगवान शालक राम नरभदेश्वर अर्चा विग्रह के दर्शन से पुण्य बढ़ता है, गौ माताओं के दर्शन से पुण्य बढ़ता है, पीपल बट वृक्ष, आम्र, केला का वृक्ष, जामुन, इनके दर्शन मात्र से पुण्य बढ़ता है, संतों के, नदियों के, दिव्य सरोवरों के दर्शन से पुण्य बढ़ता है, सदग्रंथों के भी दर्शन से पुण्य बढ़ता है, माता पिता के दर्शन से पुण्य बढ़ता है। श्रद्धा अत्यधिक हो गई तो हम पूजन करते हैं तिथि वार अनुसार, उनसे हमारा पुण्य वर्धन होता है, खर्चा कुछ नहीं है। स्कंद पुराण का न्याय है, पुण्य बढ़ने में कोई खर्चा नहीं। यदि पैसे से पुण्य बढ़ता होता तो केवट का तो बढ़ ही नहीं पाता। दान के लिए वस्तु चाहिए, पुण्य के लिए कोई वस्तु नहीं चाहिए। कथा में बैठे हैं, अस्तु
हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री रहे श्रीमान मुलायम सिंह साहब, वेदांता गुरुग्राम में उनका इलाज चल रहा है। आज की कथा का पुण्य आप सब समर्पित करें कि आदरणीय नेताजी स्वस्थ होकर के घर वापस लौटें। भगवान से मेरी प्रार्थना है, जो भी नेताजी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिससे उनकी मैत्री होती है उसको अपने जैसा मान करके और सर्वकाल निर्वाह करते रहे, इसलिए उनके मानने वाले मित्रों की संख्या बहुत है। जिसको माना उसको माना और माना तो फिर अपने जैसा बना दिया, ये सहज भाव नहीं है। ये सब प्राइमरी के अध्यापक से लेकर के और प्रदेश के मुखिया तक की यात्रा सहजता से नहीं होती है, उसके लिए अपने बनाने पड़ते हैं, अपने को समाहित करना पड़ता है, तब ये जीवन में उपस्थिति होती है। भगवान राघव से मेरी प्रार्थना है, आदरणीय नेताजी का मंगल हो, भगवान की कृपा। तो जीवन में सब कुछ प्राप्त नहीं होता, भगवान जो चाहते हैं वो प्राप्त होता है। भगवान हमारे कर्मानुसार ही सब चाहते हैं, हम कर्म कितना दिव्य कर लेते हैं ये हमारे ऊपर आधारित है। केवट जी को भगवान ने कितना बड़ा सौभाग्य प्रदान कर दिया, अति आनंद वो मगे अनुरागा चरण सरोज पखारन लाग बरस सुमन सुर सकल सिहा ए सम पुण्य पुंज पद पखारि जल पान करिया पुसहित परिवार लितर पार कर प्रभु मुदित गयो। केवट जी ने भगवान के पांव पखारे, जलपान किए, परिवार सहित चरणामृत वितरण किया, सभी ग्राम निवासियों को भी और पितरों को भी भगवत साक्षी में तिलांजलि दे दिया। उस पार सरकार को ले गए, उतरी ठाड़ भय सोर सरी नेता सी राम गुह लखन समेता प्रभु सकुचे ये ही नहीं कछु देना ध्यान बिहारी मन मुझे मन मुझे उतारी केवट चरण करे आज मैं पावन पावा मुझे दोष दुखदाई पावा बहुत बार मैं की मजोरी आज दिन विधि बनी भली बोली अब सुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तो बात मोही जो देवा सो प्रसाद मैं चिर मृति बाल मोही जो देवा सो प्रसाद मैं चिर नहीं देवा। उस पार ले गए किसको, भगवान को। कौन ले गया, भगत जी। माँ प्रभु निषाद जी लक्ष्मण भैया सी राम गुह लखन समेता केवट जी उतरे दंडवत। केवट जी ने दंडवत किया तो भगवान को संकोच हो गया, प्रभु ही सकुच ए ही नहीं को दिया ही नहीं। भक्त अपना व्यवहार करता है तो भगवान को भी संकोच होता है, इनको कुछ दिया ही नहीं, लगे रहो करे रहो। अब भगवान के संकोच को मां जान गई, पिय ही किसी जान निहारी
मन मुदरी मन मुदीते कहे वो कृपाल ले उतरा। प्रेम मुद्रिका उतार कर भगवान के कर में माने दिया, यहां मतभेद है। लोग कहते हैं माने ही बढ़ाया, नहीं नहीं, ये अपना अपना चिंतन है। माने ये दर्शाया नहीं कि मैं दे रही हूं, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना, पिय ही की सिय जान निहारी, पति के हृदय की जानने वाली कौन, आ तो मेरी माँ जानकी जी, पिय ही की सिय जान निहारी। ही की कब जान निहारी, जब उसी में रमने वाली, हृदय की वही जान सकता है जो एक दूसरे में रम रहा हो। मेरी माँ प्रभु में ही रमती हैं, इसलिए मन मुदरी मन मुदित मणि मुद्रिका माने प्रसन्न भाव से उतार कर सरकार के कर में रखा। तब कहे वो कृपाल ले ही वो तराई के वट चरण कहे अकुला। प्रभु ने कहा ले ही उतराई, केवट जी भगवान के चरणों में लपटाए गए हो, क्यों चरणों में क्यों लपटा गए? अभी तो कह रहे थे पात वर्ष हरि सकल सुत बारे बारे, केवट जग जात कछु वेदना पढ़ाई हूं, सब परिवार मेरो यही लगी, राजा जो हो दीन वित्तहीन कैसो दूसरी कढ़ाई हूं। वस्तुतः ये आठवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति क्या है? यथा लाभ संतोषा, यथा लाभ संतोष, संतोष होना आठवीं भक्ति है। और जिसको संतोष है वही सुखी है। गज धन गो धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोबी समान। गज हाथियां बधी हो, हाथी बधे हो, हथनियां बधी हो, गौ माता लाखों लाखों, घोड़े लाखों लाखों, रत्न जवाहरात दुनिया भर का हो, लेकिन यदि संतोष नहीं है सब कारण।